वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। पहले मैं द ड्राउन जायंट मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। इस मूवी के स्टार्ट में हम तीन साइंटिस्ट को बीच पर जाते हुए देखते हैं, जिनमें से एक आदमी स्टीवन हमें डेड जायंट के बारे में ये स्टोरी सुनाएगा। असल में इस समंदर में एक दिन पहले एक काफी बड़ा तूफान आया था, जिसकी वजह से एक डेड जायंट बीच पर आ गया था। उस डेड जायंट को देखकर फिशरमैन काफी हैरान थे और इसीलिए उस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म भी करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे लोग बीच को विजिट करते हैं तो उनके पास सुनाने के लिए सिर्फ जायंट की कहानियाँ थी। और अब साइंटिस्ट खुद बीच को विजिट करने का डिसाइड करते हैं, जहाँ वो खुद उस जायंट को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे, जिसके बारे में वो काफी बार सुन चुके थे। उस जायंट को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे वहाँ पर, लेकिन कोई भी उसे टच नहीं कर रहा था, क्योंकि सारे उससे डर रहे थे। अब यहाँ पर स्टीवन और उसके आदमी अंदाजा लगाते हैं कि शायद उसका वेट 80 टन के करीब होगा। स्टीवन उनसे कहता है कि जायंट के बारे में मैंने ये सुना है कि इनकी एज का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। पर स्टीवन उसके नोज और लिप्स को देखते हुए कहता है कि ये एक यंग जायंट था। वो तीनों साइंटिस्ट उस जायंट की बॉडी के आसपास खड़े होकर उस पर रिसर्च कर रहे थे। स्टीवन इस दौरान उसके हाथ के पास जाता है, जो कि तालाब की लुक दे रहा था, यानी उसका हाथ इतना बड़ा था कि पानी जमा होने के बाद वो एक तालाब बन गया था, जिसमें छोटी छोटी मछलियाँ तैर रही होती हैं। स्टीवन का कहना था कि इस जायंट के साइज से भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये जायंट अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। और वो बीच पर खड़े हुए लोगों को जायंट से कंपेयर करते हुए कहता है कि ये तो जायंट की छोटी छोटी अनकम्प्लीट कॉपीज हैं। अभी स्टीवन उसे देखकर हैरान हो ही रहा था कि तभी उसकी एक कलीग उस जायंट की बॉडी पर चढ़ जाती है और वहाँ मौजूद वो सब लोगों को बताती है कि ये बिल्कुल सेफ है। तभी सुनकर वो सब लोग जल्दी से उस जायंट की बॉडी पर चढ़ जाते हैं और ऐसा करके वो लोग काफी खुश हो रहे थे। कोई उस जायंट की बॉडी पर जंप कर रहा था तो कोई खेल रहा था, लेकिन स्टीवन ना तो उसे टच करता है और ना ही उस पर चढ़ता है। दूसरी तरफ उसकी कुलीग उस जायंट के बारे में नोट्स बना रहे थे और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था, वहाँ उस जायंट से खेलने के लिए लोग कम होते जा रहे थे, क्योंकि सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे। फिर 3 दिन के बाद स्टीवन दोबारा यहाँ पर आता है, क्योंकि उसका उस जायंट में इंटरेस्ट बढ़ गया था और उसका दावा था कि उसे इस जायंट पर नजर रखते हुए कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि वो जायंट उसके आसपास के लोगों की निस्बत ज्यादा जिंदा था। फिर वो दिखता है कि वहाँ पर कुछ बच्चे जायंट के ऊपर स्लाइड खेल रहे हैं और कुछ आदमी तो उस जायंट को काटने की तैयारी कर रहे थे। तो आज वो जायंट के पास देर तक रुकने का इरादा करता है ताकि जायंट के पास कोई भी ना हो, लेकिन जैसे ही वो जायंट के पास आता है तो वो दिखता है कि जायंट डिके होना स्टार्ट हो गया है और उसका हर एक बॉडी पार्ट काफी अजीब दिख रहा है। अब यहाँ वो जायंट के कान पर एक लड़की को देखता है, जो उस जायंट के कान को एज अ चेयर यूज कर रही थी। स्टीवन नोटिस करता है कि जायंट के फेस से उसकी यूथफुल लुक खत्म हो गई है, यानी अब वो जवान नहीं दिख रहा। तब वो अंदाजा लगाता है कि समंदर में बहुत अरसा रहने की वजह से उसके टिश्यूज खराब हो गए हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी काफी जल्दी खराब हो गई है। स्टीवन जायंट के फेस पर एक इंसेक्ट देखता है, जो कि उसके मुंह में जा रहा था। तब स्टीवन सोच रहा था कि इंसेक्ट के उसकी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही ये जायंट डिके हो जाएगा, और अब स्टीवन बहुत ज्यादा हिम्मत करके उस जायंट के ऊपर चढ़ता है। अब जायंट की चेस्ट पर चढ़ने के बाद वो जायंट की बाजू को देख रहा था, जो बिल्कुल डिके हो चुका था और कुछ बचा हुआ पार्ट इंसेक्ट्स और बाकी बर्ड्स खा रहे थे। यहाँ अब उसकी आंखों के ऊपर अब एक अजीब सा कवर आ गया था, जो कि उसकी आईज को भी एक तालाब जैसी लुक दे रहा था। फिर स्टीवन उसकी आंखों में अपना शेडो देखता है और सोचता है कि इस जायंट के डिकी होने की तकलीफ उस तकलीफ से कम है जो उसे तन्हाई ने दी है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब स्टीवन उस जायंट के पास जाता है तो देखता है कि उसकी आर्म्स और लेग्स डिकी हो चुके हैं, और अब वो उसकी बॉडी को गौर से देख रहा था, जहाँ पर जायंट की बॉडी की इंसल्ट की जा रही थी। और इंसल्ट करने वाले कोई और नहीं बल्कि इंसान ही थे। अब हालांकि ये जायंट भी तो इंसान की तरह का ही एक क्रिएचर था। फिर नेक्स्ट डे स्टीवन जब दोबारा से उस जायंट के पास आता है तो वो देखता है कि उस जायंट का तो सर भी उतार दिया गया है और बर्ड्स और इंसेक्ट्स उस जायंट को खा रहे हैं। अब सर के बगैर उसकी बॉडी इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अब इसी के साथ ही स्टीवन और इस डेड बॉडी का रिलेशन भी कम हो रहा था, जो कि इस डेड बॉडी ने बनाया था। फिर इसके बाद वो काफी दिनों तक बीच पर नहीं आता। फिर काफी हफ्तों बाद जब वो बीच पर आता है तो ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है कि अब उसके पास कोई भी ऐसी चीज बाकी नहीं रही जिसकी वजह से वो इंसान लगे, और वहाँ पर जो बाकी रह गया था वो उस इंसान का डिकेट गट था। और अब उन सब लोगों का उस जॉइंट पर से इंटरेस्ट खत्म हो गया था। अब इवन काफी महीने गुजर जाते हैं और लोग तो अब जॉइंट की एंट्री को भी भूल जाते हैं, और जॉइंट की बॉडी के अलग अलग पार्ट्स और बोन्स जगह जगह पर एज अ डेकोरेशन देखने को मिलते हैं। फिर एक दिन साइकिलिंग करते हुए स्टीवन उस
जॉइंट का स्कल एक खाली मैदान में देखता है। उसका ख्याल था कि अगर वो इस सिटी को गौर से देखेगा तो उसकी नोज और एयर्स की बोन्स भी मिल जाएंगी, क्योंकि स्टीवन के मुताबिक जॉइंट की हड्डियों से बनी ये डेकोरेशन ज्यादा अच्छी है उन यादों से जो स्टीवन के दिमाग में है। अब यहाँ पर उस जॉइंट के कुछ बॉडी पार्ट्स को सर्कस में भी रखा गया था, और अब साइंटिस्ट का कहना था कि जिस जिसने भी उस जॉइंट को देखा है वो उसे मॉन्स्टर ही समझते थे जो कि मर चुका था, लेकिन वो जॉइंट उसके लिए आज भी जिंदा था। और वो अक्सर अपने ड्रीम में देखता है कि जॉइंट उसके शहर से गुजर रहा है और अब वो वापिस समंदर में जाने के लिए जगह जगह से अपने बॉडी के टुकड़े उठा रहा है। अब ये मूवी हमें एक डीप मैसेज देती है कि कैसे एक इंसान इस दुनिया में आता है, कैसे लोगों की जिंदगियों पर असर छोड़ता है, वो लोगों से सीखता है, उन्हें सिखाता है, लेकिन फिर जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो लोग उसे भूल जाते हैं। इवन दिन, महीने, साल गुजर जाते हैं लेकिन कोई उसे याद नहीं करता। सेम ऐसे ही जैसे हमने इस मूवी में देखा कि कैसे एक जॉइंट आया और सबके अट्रैक्शन बन गया, लेकिन फिर वही बात, दिन, महीने, साल गुजर गई लेकिन किसी को वो याद नहीं रहा। असल में यही इंसान की जिंदगी का कड़वा सच है कि जब तक कोई इंसान जिंदा रहता है तो लोग उसे याद रखते हैं, लेकिन अगर वही इंसान मर जाए तो थोड़े ही दिन बाद लोग उसे भुला देते हैं। और अब मैं एक्सप्लेन करूंगी आइस एज मूवी को। इस मूवी के स्टार्ट में हम एक कपल को देखते हैं जो एक न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। उनमें से आदमी जिसका नाम रोब था वो अपने घर में कुछ सामान लाते हुए नजर आता है। मीनवाइल उसकी वाइफ गेल घर में सामान सेट कर रही होती है। गेल को अपने इस न्यू अपार्टमेंट में एक पुराना फ्रिज नजर आता है जो कि लैंडलॉर्ड इस घर में छोड़ गया था। अब गेल उस अगले फ्रिज से परेशान थी, पर रोब उसे कहता है कि पुरानी टेक्नोलॉजी में जरूर कुछ अमेजिंग होता है, जिस पर गेल टॉन्टिंग वे में कहती है हाँ ये अगली सी मोटर जो इसके ऊपर लगी हुई है। अब गेल यहाँ पर न्यू फ्रिज रखना चाहती थी, लेकिन रोब अभी न्यू फ्रिज अफोर्ड नहीं कर सकता था। गेल अपने हस्बैंड की चालाकी को मजाक में उड़ा देती है। अब वो दोनों इस इशू को यहीं पर छोड़कर ड्रिंक एंजॉय करने का सोचते हैं, क्योंकि वो शिफ्टिंग करते हुए काफी थक चुके थे। अब जैसे ही रोब फ्रिज में आइस लेने जाता है तो उसे फ्रिज आइस जंग से ढका हुआ नजर आता है। फिर आखिर वो बड़ी मुश्किल से एक क्यूब निकाल कर अपने ड्रिंक में डालता है। वो दोनों मिलकर बैठते हैं और अपने नए घर की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं। अब ड्रिंक की एक सिप लेने के बाद रोब को आइस में कोई अजीब सा स्ट्रक्चर नजर आता है, और जब उसे रियलाइज होता है कि वो एक जानवर है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो आइस क्यूब गेल को दिखाता है और पूछता है क्या सच में इसमें कुछ है। तब गेल जल्दी से मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आती है। वो एक छोटे से क्रिएचर को आइस क्यूब में फ्रीज देखते हैं। वो दोनों उस क्रिएचर को देखकर काफी हैरान और कंफ्यूज थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी। वो नोटिस करते हैं कि इस छोटी सी क्रिएचर को हंट किया गया है क्योंकि उन्हें उसकी बॉडी में स्पेयर्स यानी नेजे नजर आते हैं। तब ये देखकर वो और ज्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं, और अब गेल जल्दी से जाकर फ्रिज से सारी आइस निकालती है। तो यहाँ पर रिवील होता है कि इस फ्रिज के अंदर एक पूरी मिडिल एज सिविलाइजेशन वर्क कर रही है। फ्रिज के अंदर टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा था, यहाँ का एक सेकंड गुजर रहा था तो वहाँ के हफ्तों गुजर रहे थे। अब ये देखकर वो दोनों हस्बैंड वाइफ काफी हैरान थे, और वो ये भी सोच रहे थे कि ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। अब वो शहर के अंदर जो लोग थे वो भी इन दोनों को बड़े गौर से देख रहे थे। अब क्योंकि वो छोटे से थे इसीलिए वो इन दोनों को जॉइंट समझ रहे थे, लेकिन फिर भी उन लोगों को इनके यहाँ पर होने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर कुछ देर बाद रोब उस छोटे से क्रिएचर को अपने घर के एक प्लांट में दफन कर देता है। वो छोटा सा क्रिएचर जिन्हें सबसे पहले आइस क्यूब से मिला था, इस बात पर गेल उसका दोबारा मजाक उड़ाती है। इसके बाद जब वो दोबारा फ्रिज खोलते हैं तो देखते हैं कि अब वो शहर मिडिल एज से इंडस्ट्रियल एज में चेंज हो गया है, वो भी सिर्फ इतने से ही टाइम में, क्योंकि वो सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए फ्रिज से दूर हुए थे लेकिन उस शहर में तो सदियां गुजर गई थी। और अब उनके देखते ही देखते वहाँ पर कुछ ही मिनट्स में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई थी। अब ये देखकर रोब काफी उदास था क्योंकि वो उस टाइम को मिस कर रहा था जो उन्होंने स्टार्ट में देखा था। वो सोच रहा था कि फ्रीजर के अंदर के लोग उन्हें क्या समझते हैं, क्या वो इन्हें गौर तो नहीं समझ रहे। लेकिन तभी वो दो कंस्ट्रक्शन वर्कर को फ्रीजर के अंदर ही उन्हीं के बारे में बात करते हुए देखते हैं। वो कह रहे थे कि हम इन दो पागल जॉइंट्स को हर रोज देखते हैं, और हम उस ब्रोकली को भी देखते देखते थक गए हैं जो गेल के दांतों में नजर आ रही थी। और अब उनके देखते हुए ही वो इंडस्ट्रियल कम्युनिटी मॉडर्न कम्युनिटी में चेंज हो जाती है, और वहाँ की सारी बिल्डिंग सुपर स्ट्रक्चर में चेंज हो गई थी, और साथ साथ उन्हें वो छोटी छोटी चीजें उड़ती हुई नजर आती है जो रोब को लग रहा था कि शायद ये प्लेन्स हैं। और टाइम को गुजरते हुए वो लोग काफी गौर से देख रहे थे। रोब अब इस एज को देखकर सरप्राइज था और सोच रहा था कि अगर ये हमारी दुनिया से रिजेंबल करता है तो इस मॉडर्न एज की बात क्या होगा। और इतनी ही देर में वो वहाँ पर एक लाइटिंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तब रोब हैरान होता है कि ये क्या चीज है, और वो उसे देखने के लिए करीब जाता है। इसके बाद वो जोरदार झटके से दूर गिरता है। अब गेल उसकी हेल्प के लिए उसके पास जाती है और उसका फेस जला हुआ देखती है, जिससे उनको अंदाजा होता है कि वो एक लॉन्चर था और वहाँ पर वॉर चल रही थी। फिर जब वो कुछ सेकंड्स के बाद वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया था। अब वो इस फ्रीजर को बंद कर देती है क्योंकि वो इस
स्कोर को बढ़ाना नहीं चाहते थे। इसके बाद वो लोग पिज्जा ऑर्डर करते हैं, अपने खाने को काफी इंजॉय करते हैं और अब उनको तकरीबन एक घंटा गुजर गया था। उन्होंने अभी तक फ्रिज को खोल कर नहीं देखा था कि वॉर खत्म हो गई है या फिर नहीं। अब रोब कहता है कि हमें उस फ्रिज को दोबारा खोलना चाहिए, लेकिन इस बार वो शायद डर रहे थे। वो वहाँ पर सब कुछ खत्म हुआ देखने से डर रहे थे, लेकिन जब वो फ्रिज खोलते हैं तो वो काफी हैरान रह जाते हैं ये देखकर कि वहाँ पर वॉर खत्म हो गई है और छोटे छोटे इंसानों ने सब कुछ रिकवर कर लिया है। वो वहाँ छोटी छोटी फ्लाइंग कार्स को भी देखते हैं जो कि सिटी में पर्ल्स की तरह लग रही थी। वो सिटी की इस स्टेज को अपने फ्यूचर से कंपेयर करते हैं। ये अब एक फ्यूचरिस्टिक लैंड थी जहाँ आसमान से बातें करती हुई सुपर स्ट्रक्चर बिल्डिंग इस सिटी को काफी अच्छा लुक दे रही थी। इसके बाद वो सिटी एक पिरामिड स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है जिससे बहुत सारी लाइंस कनेक्ट कर रही थी। अब रोब और गेल को लग रहा था कि सब लोग इस पिरामिड में रहते हैं। इसके बाद सिटी का वो पिरामिड स्ट्रक्चर सारे सिटीज को अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है और एक बड़ी सी एनर्जी बॉल में चेंज होकर फट जाता है, जिसकी वजह से सिल्वर स्पार्क उनके पूरे किचन में फैल जाते हैं, जिन्हें वो लोग बड़ी गौर से देख रहे थे और उन्हें ये सब एक फैंटेसी वर्ल्ड का पार्ट लग रहा था और वो स्पार्क किसी फायर फ्लाइज जैसे लग रहे थे। इसके बाद वो स्पार्क्स दोबारा जमा होकर फ्रीजर में चले जाते हैं, फिर एकदम से सब कुछ गायब हो जाता है। इसे देखकर वो लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। रोब को लग रहा था कि अब वो वापस आने वाले हैं, लेकिन गेल को ये लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया है और असल में ये सब कुछ दुनिया के खत्म होने को जाहिर कर रहा है। रोब अब फ्रिज का स्विच बंद कर देता है। वो दोनों गले मिलते हैं। उन्होंने कुछ ही घंटों में ह्यूमैनिटी का स्केच देख लिया था जिसमें उन्होंने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को भी ऑब्जर्व कर लिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो कपल अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करता है, पर अभी भी उनके जहनों में कल के बारे में कुछ सवाल थे और अब वो सस्पेंस में दोबारा से फ्रीजर को देखते हैं जहाँ वो छोटे छोटे इंसान वापस आ गए थे और वो डायनासोर के मीट से अपना पेट भर रहे थे और कुछ तो डायनासोर से बचने के लिए भाग रहे थे। यानी अब ये ह्यूमैनिटी का स्टार्ट दिखाया जा रहा है। अब यहाँ इस कपल को दिखाते हुए ये मूवी भी एंड हो जाती है, जो अब दोबारा नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले उन छोटे छोटे ह्यूमंस को देखने में बिजी हो गए थे। असल में ये मूवी हमें इस दुनिया की क्रिएशन, एवोल्यूशन और एंडिंग का कॉन्सेप्ट देती है, जिसमें इंसान की नेचुरल हैबिटेट से मॉडर्न एज तक का सफर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। इस स्टोरी में वो फ्रिज जहाँ हमें मैनकाइंड की एज का कॉन्सेप्ट देता है, वही वो कपल हम इंसानों के बिहेवियर को शो करता है। यानी जब फ्रिज में वॉर शुरू हुई तो उन लोगों ने फ्रिज को बंद कर दिया और अपने आप में ही बिजी हो गए, और ये चीज इंसान की दुनिया को लेकर केयरलेसनेस को शो करती है। और लास्ट में लाइफ का उस पावर बाल की शक्ल में डिसअपीयर होना ह्यूमैनिटी की एंडिंग को शो करता है, और ये मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।